पूर्णिया के बैसा में मासूम की डूबने से मौत पर किशनगंज में मातम पसरा है। बैसा ब्लॉक के चंडेल इलाके में ये हादसा हुआ है, जहां के गगरिया में 7 साल के कबीर सिंह की मौत हो गई है। बताया जाता है कि तालाब में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। मामला हुआ जी, अभी सुनने में आया हमको कि राजवंशी टोला का एक बच्चा अपने नानी के घर रहता था और वो वहाँ खेलने के लिए गया था बच्चों के साथ। खेलते खेलते उसका पैर पानी में फिसल गया, कोई भी उसको देखा नहीं। एक घंटा के बाद जब बच्चा को खोजा जा रहा था कि बच्चा नहीं है, तब पता चला कि पानी में वो मतलब ऊपर बह रहा था। तो फिर सबको जाके निकाला गया वहाँ से। उसके बाद यहाँ के कुछ आदमी गए, जनप्रतिनिधिगण गए और उस बच्चे को कमलपुर लाया। वहीं कबीर की मौत से कोचाधामन के कमलपुर में मातम पसरा है। लाडले की मौत से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि कबीर नानी के घर गया हुआ था, लेकिन उनके नहाने के शौक ने परिवार को गम दे गया। हुआ वो मेहमान गया था अपना नानी का घर में था वो। उसके बाद पता नहीं 12 बजे का टाइम है उसका, कहीं वो नदी तालाब है उसका गांव के पास और भी बच्चे सब खेलने उलने गए थे, नहाने गया था। बाकी सब नहाने तो ये नदी में वो उसका पैर फिसल गया और वो डूब गया नदी। कितने वर्ष का बच्चा लड़का था? 6-7 साल का। पिताजी का क्या नाम है उनके बच्चे का? पिताजी का नाम है विनोद कुमार सिंह। कितने भाई बहन से थे वो लोग? वो लोग 2 भाई 1 बहन। अब एक भाई एक बहन दो भाई। जैसा सुनने में आया कि बच्चा अपनी नानी के यहाँ गया था मेहमानी खाने के लिए, जो कि पूर्णिया में पड़ता है, मझगवा एक जगह है, वहाँ पे गया था बच्चा और उसके नानी के वहाँ ही खेलते खेलते अचानक बच्चा गायब हो गया। जब ढूंढने लगे लोग तो पता चला कि एक तालाब है, उसमें जाके गिर गया था बच्चा। और फिर वहाँ से जब उसको निकाला गया तो पता चला कि उसका जो है मृत्यु हो गई है। तो फिर इन लोगों ने जो है अपनी नानी के वहाँ से लेकर के यहाँ कोचाधामन के कमलपुर में अभी आया है। पूरी जगह शोक का माहौल है। बड़ा प्यारा सा बच्चा है, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब अता फरमाए। अच्छा है, उसके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। लोग वही कामना करने के लिए सारे लोग आए हैं।